मार्च का महीना आ गया है, वेकेशन स्टार्ट हो गई है। आप सब लोगों ने घर से बाहर जाने की तैयारियां तो कर ली होगी। अरे रुकिए जरा, बाहर जाने का मतलब वेकेशंस नहीं, धूप में जाने से बचने के लिए आपने कुछ तैयारियां कर ली होगी। मैं डॉक्टर संदीप शिल्पी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट रणजीत हनुमान रोड, इंदौर। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको धूप में जाने के पहले किन किन चीज़ों की सावधानी रखना है। सबसे पहला, आपको पानी खूब सारा पीना है, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। हाइड्रेटेड स्किन पे समर का प्रभाव कम पड़ता है। दूसरा, घर से बाहर निकलने के पहले आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनना है, समर कोट पहनना है, हाथों में ग्लव्स पहनना है, ताकि हम धूप से बचाव कर सकें। अभी बाज़ार में बहुत प्रकार के सनस्क्रीन आ गए हैं, फेस के लिए है, बॉडी के लिए है, लिप बाम में भी सनस्क्रीन्स आते हैं, हेयर्स में भी सीरम्स में सनस्क्रीन्स होते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन आपके स्किन के टाइप आपको चूज़ करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मैट सनस्क्रीन यूज़ करना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर वाला सनस्क्रीन यूज़ करना है। तीसरा, जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपको आँखों के लिए यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स पहनना है। तो इस तरह से हमें अपनी स्किन की सुरक्षा करना है। प्लस स्किन गर्मी में आपने देखा है कि पसीने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और यही पसीना बाद में फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको कपड़े दो बार चेंज करना चाहिए, दो बार बाथ लेना चाहिए, अंडरगारमेंट्स आपको आयरन करके पहनना चाहिए। प्लस मार्केट में बहुत सारे एंटी फंगल एंटी परस्पिरेंट पाउडर्स भी होते हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। घर में जब आप तुरंत आए तो थोड़ा सा बॉडी को एडजस्ट होने दीजिए टेम्परेचर के हिसाब से। तुरंत घर पर आके नहाना नहीं है, ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इस तरह कुछ इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई होप आपको इस मार्च और इस समर वेकेशन में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू।